हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल स्टीम्ड कॉर्न्स की रेसिपी शेयर की है, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में 3 बॉल फ्रोजन कॉर्न्स के लिए हैं और उसके बाद पानी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया है। जब तक ये कॉर्न्स उबल रहे हैं, आप फटाफट से जाएं और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत ही बढ़िया और हेल्दी स्नैक है, ये बनता भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप ज़रूर इसको एक बार अपने घर पे ट्राई करेंगे। तब कॉर्न्स उबल जाएंगे तभी हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मक्खन का और उसको पिघला लेंगे। जब मक्खन पिघल जाएगा तो हम उबले हुए कॉर्न्स को पानी निकाल के उसको डाल देंगे मक्खन में और उनको कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने सॉल्ट और बटर का यूज़ किया है, आप घर का मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिनट कुक करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और फिर हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब काली मिट्टी का। इसमें बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं और बनता बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ये बहुत ही बढ़िया पार्टी स्नैक है, आप इसको बनाएं और सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा सबको। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स का। चिली फ्लेक्स डालने के बाद फिर हम इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाले का भी डाल देंगे। फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। चाट मसाला मिक्स करके फिर हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसमें डाल देंगे नींबू का रस। यहाँ पे मैंने 2 नींबू का रस डाला है इसमें। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही झटपट से बनने वाली स्ट्रीट स्टाइल स्टीम्ड कॉर्न की चाट तैयार हो चुकी है। आप इंजॉय करिए, गरम गरम इसको सर्व करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।